हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई 2020 और अब तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली करंट अफेयर्स की तरफ, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली करंट अफेयर्स आ रही है भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना ने अपने जवानों को 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। मतलब 89 ऐप्स में जो मोबाइल ऐप्स होता है उसमें से जो जो भी उसने रखा है, जो सेना के जवान हैं उनको डिलीट करने का आदेश दिया है। उन ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो पहले ही बैन हो चुका है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसे कि बंद करने यानी डिलीट करने का निर्देश दिया है भारतीय सेना ने। ऐसा उन्होंने सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया है। अभी चाइना और पाकिस्तान से साइबर अटैक का मामला जो है, इसका हवाला दिया है भारतीय सेना ने कि अटैक हो सकता है, साइबर अटैक, इसलिए इन सब ऐप्स को आप डिलीट कीजिए। और हाँ, 15 जुलाई तक ये सारे ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया है। 15 जुलाई तक अगर वो डिलीट नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा भारतीय सेना ने कहा है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रही है क्रिकेट से। सितंबर में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए इसे रद्द किया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट है बॉलीवुड से। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जगदीप का पूरा नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, और उन्होंने शोले में एक किरदार निभाया था सुरमा भोपाली का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनका निधन हो गया है, 81 वर्ष के थे वो। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स उच्चतम न्यायालय की ओर से, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय की ओर से आ रही है। उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जो भी 31 मार्च 2020 के बाद BS4 वाहन खरीदा गया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। BS4 वाहन समझते हैं, अभी जो लेटेस्ट वाहन मॉडल चल रहा है तो वो BS6 है, यानी भारत स्टेज 6, और पहले चलता था भारत स्टेज 4। और ये जो है प्रदूषण मानक है BS4 या BS6, यानी BS4 ज़्यादा प्रदूषण छोड़ता था और BS6 कम छोड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ 27 मार्च को ऑटोमोबाइल कंपनी को बोला था कि कुछ वाहन आप बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वाहन बेच दिया है, इसलिए उन्होंने अपना फैसला ही पलट दिया है कि जो भी 31 मार्च 2020 के बाद BS4 मानक वाले वाहन खरीदे गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। और इस पर जो अगला फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो 23 जुलाई का आएगा। तो देखिए क्या होता है, अपडेट तो आपको हम दे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, यानी CBIC ने तुरंत सुविधा केंद्र इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्देश दिया है। यानी तुरंत सुविधा केंद्र, और ये सभी कस्टम स्टेशनों पर जहाँ पर भी सीमा शुल्क लिया जाता है या फिर अप्रत्यक्ष कर जो लिया जाता है, वो सभी कस्टम स्टेशन पर 15 जुलाई तक ये स्थापित कर दिया जाएगा। इससे बंदरगाह या फिर हवाई अड्डा पे इसे स्थापित किया जाएगा, जहाँ से कि कोई भी अगर सामान आता है तो उसे तुरंत उसका जो शुल्क हो वो लेकर और तुरंत काम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए किसने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने तुरंत सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया, और 15 जुलाई तक बोला है कि सभी कस्टम स्टेशन जहां की शुल्क लिया जाता है तो वो स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए पहले जनरली कैम स्कैनर का यूज करते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन, जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है और साथ में एडिट भी कर सकता है, और उन्होंने कहा है कि ये मेड इन इंडिया है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रही है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का CEO जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO किसे नियुक्त किया गया है, जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। और ये जो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल है, ये क्या है कि
इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। इसका जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो मुख्य कार्य है वो है कि बिजनेस को बढ़ावा देना, यानी दोनों देशों के बीच जो है बिजनेस और ज़्यादा हो, व्यापार और ज़्यादा हो, इसीलिए इसका स्थापना 1993 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है, ठीक है, किसका, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। और इसके जो CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। आप समझ गए कि जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है, तो ये एक पार्टनरशिप किया गया था यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक स्थिति को और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा जो तिब्बत में विदेशियों के आने जाने पर रोक लगा दी थी चीन ने, इसी का हवाला देते हुए चीन के जितने भी अधिकारी हैं उनके वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स फिर बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हरीश शाह का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। वो निर्देशक भी थे और निर्माता भी थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, उनका निधन हो गया। किनका, हरीश शाह का। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए एक बलराम योजना शुरू की है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है, किसने, उड़ीसा सरकार ने। अब इसमें क्या होगा कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा। तो बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।